Everyone, I'm Siddharth Nigam, and you're watching me on FIFA Fools. Hi, I'm Parul Gulati, and mm. you're watching me on FIFA Fools. Hi guys, I'm Sadaf Galanya and welcome you all on FIFA Fools. Guys, welcome and congrats! Ek, another blue tick on your list. What to say about the series? <laughs> Thank you so wow. much. Abhi profile mein hoga wo, blue tick. Yeah. What do you have to say about the series? About the, about the series, I'm very happy that I'm. पार्ट ऑफ द सीरीज़ बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी है बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है लोग जब देखेंगे तो डेफिनेटली वो रिलेट करेंगे पल्लवी के कैरेक्टर से विराज के कैरेक्टर से और आप जब जो भी सीन्स देखेंगे या जो भी यू you नो know, आप पूरा जब स्टोरी uh, काग्राफ़ देखेंगे तो आपको तो रिलाइज़ होगा कि ये वाकई इन रियल लाइफ ऐसा होता है सो आई थिंक बहुत ही रियल स्टोरी है रियल स्टोरी से इंस्पायर इंस्पायर्ड स्टोरी है तो आई एम श्योर पीपल विल लव इट एंड एम रियली हैप्पी वॉट यूटी इट्स अ फन स्टोरी ऑफ दिस गर्ल पलवी जो मेरा कैरेक्टर है वो सोशल मीडिया इसलिए स्टार्ट करती है कि उसे हीरोइन बनना है और वो इन्फ्लुन्सर बन जाती है वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस एंड इट्स अ नाइस स्टोरी उस इट्स अ राइज एंड अ फॉल ऑफ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी एंड ही इज़ ऑलरेडी अ वेरी सक्सेसफुल सोशल मीडिया पर्सनैलिटी इन दीरीज़ और वो उनकी लाइफ में आते हैं एंड

We are living in that future yes. right now. It is now. This is, uh, I mean, social media, first of all, plays a very big role. You want to add something no, to it? Sorry. Please, please say it. Social media plays a massive part where people, everybody is an influencer right now, whatever. Probably, let's say, FIFA tomorrow you end up saying something, and that actually connects with a larger audience. You know, it will.

जहाँ पर आप हर चीज़ें यू नो आप अपने बड़े से बड़े ब्रांड्स प्रमोट हो रहे हैं बड़े से बड़े यू नो सेलिब्रिटीज़ जो हैं पब्लिक फिगर हैं वो सोशल मीडिया पे हैं यू नो टू प्रमोट टू टेल पीपल टू क्रिएट अवेयरनेस यू नो और टू गिव इंफॉर्मेशन तो आई थिंक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया आज के टाइम पर हम सब फ़ोन पर ही रहते हैं यू नो फोन पर वी वॉन्ट टू सी न्यूज़ वीडियोज़ एवरी सो आई थिंक और हम सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो फ्यूचर में ही जी रहे हैं अभी हमें कुछ भी जानना होता है फ़ोन उठाते हैं सर्च करते हैं कितने लोग की हम यू you नो know, जो हमें हम पता चलता है कि ये एक्टर है वो एक्टर है हम प्रोफाइल सर्च करते हैं गूगल पे नहीं इंस्टाग्राम पे परूग <laughs> so बहुत ही ज़्यादा ये तो बड़े लेवल हो चुका है और नंबर वन है कह सकते हैं okay. इट वॉज एक्टिंग जॉब फॉर आस हमें बस हमारे डायरेक्टर को डिलीवर करना था वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर एट द एंड ऑफ द डे सो आई वो टोटली से डिरेक्टर्स एक्टर आई ऑन शुभम सर की वट एवर यू सी इट्स हिज वर्जन ऑफ हाउ ही स्टोरी विद ओन विजन और डायरेक्टर ऑफ द शिप सो डेफिनेटली हमें बस परफॉर्म करना था जो हमारे डायरेक्टर सर चाहते थे शुभम सर सो so, और उन्होंने हमें थ्रू आउट द शूट बहुत अच्छे से गाइड किया कैरेक्टर के बारे में बताया स्टोरी के बारे में बताया एक एक डिटेलिंग उन्हें पता थी मतलब ही यूज सो अवेयर ऑफ एवरी थिंग सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है क्या रियलिटी है सो दैट्स अ गुड थिंग आपको भी एक ट्रस्ट होता है जब आप काम करते हैं आपके डायरेक्टर के साथ तो जब भी आप शॉर्ट देते हैं तो आपको पता है कि आई एम डूइंग एनी मिस्टेक ही ही विल विल टेल मी मी गाइड बट डिड यू यू गाइस एंजॉयड और इट फॉर डिफिकल्ट टू प्रेजेंट योर रियल लाइफ थिंग इनटू अ रील it was an acting job for okay. us we were acting we were doing what our director was asking us to so it wasn't because it is also a very generic term to say like we were playing ourselves what difficult to we are being ourselves but at the same time we need to deliver what the director wants so i mean i don't know was it very difficult for you being viraj डिफ़िकल्टीज so like, नहीं हुई ज़्यादा इस कैरेक्टर के लिए बिकॉज uh, जैसे कि आ, uh, हमने आपको बताया कि जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है तो हम जब सीन्स करते थे तो बल्कि हमारे लिए कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा अच्छी रहती थी कि हाँ ऐसा होता है यू you नो know, ऐसी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है जब आप कोई भी सीन कर रहे होते तो वो एक इजी वे में आपको समझ आ जाता है और डेफिनेटली फिर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने जो हमें कहा और उनका जो विजन था कैरेक्टर को लेके हमने उस चीज को ही फॉलो किया जानना चाहेंगे गाइस रिसीव मिला था तब सोशल मीडिया इतना नहीं था जितना अब है तो बहुत मुश्किल से मिलता था टिक बट uh, जब मैं इंस्टाग्राम पे आया और ऐसे मैंने अप्लाई किया था ब्लू के लिए और मैं ऐसे अगले दिन उठा और देखा कि आई एम ऐसा अगले दिन मतलब कि अपना उसने प्रोसेस लिया जितने टाइम में लगता है मुझे टाइम नहीं पता बट मैंने एक दिन ऐसे इंस्टा ओपन किया और मुझे ब्लू दिखा मेरे अकाउंट पे सो आई वेरी हैप्पी मैं जाके बताया लगा देखो मुझे ब्लू मिल गया आई वाज हैप्पी नहीं नहीं केक नहीं काटा टुडे आई सॉ ऑन वीडियो देयर वाज अ गर्ल हु इज कटिंग अ केक विद हर फोन cuz she made some 100k और 200k या मिलियन फॉलोअर्स हो गए उसके

develop on it or archive it like i would never archive something i've posted like i know तो friends if it's not performed well they'll archive it like and they'll archive within an hour like they did nahi nahi main aisa nahi karta matlab main apni kuch photos archive kar deta hu jab bahut purani ho jati hai na ha not that way like it likes nahi aaye ispe to usse delete kar dete hain okay like that मेरा ऐसा होता है कभी कभी अच्छी फोटो आ गई है डाल दो हाँ। प्रोफाइल में दिखती रहनी चाहिए फोटो

को लेके आपकी पर्सनालिटी को लेके कमेंट करे या हेट कमेंट करे यू हैव टू रिएक्ट मतलब गिव रिस्पेक्ट एंड लव टू पीपल हु आर गिविंग यू लव एंड रिस्पेक्ट इफ आई समटाइम्स समटाइम्स अगर किसने मेरे उस पे कमेंट करा है और मेरा मूड अच्छा नहीं है उस दिन आई डोंट लाइक द कमेंट आईव डन दिस वंस तो ना मैं उनके डीएम में गई और मैं जितना मुझे गुस्सा था उसने अपना कोई दिन का खंदक मेरे पे निकाला <laughs> राइट निकाला ना आके इन कुछ एक और ऑप्शन होता है पता है नहीं नहीं ब्लॉक कर सकते हैं नहीं डिलीट स्वाइप लेफ्ट डिलीट मैंने एक बार किया एक एक दो बार किया मैंने बड़ा मजा आता है मुझे भी मैं गई मैंने इतना कुछ लिखा 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 एंड आई स्टेड द मोमेंट ही रेड आई ब्लॉक्ड द सैटिस्फैक्शन सो आई हैव डन दैट अ फ्यू टाइम्स बट अदर देन दैट

उट माई जर्नी जर्नी बहुत कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती है बिकॉज बहुत ही ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से बहुत ही ज्यादा सिर्फ वीक था वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स फाइनेंशियली फैमिली वाइज़ एवरी थिंग मतलब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं पता था एंड uh, uh, फिर मेरी मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है क्योंकि जब लॉस माई फादर आई वॉज वेरी यंग लॉस माई फादर एंड देन मम्मी ने हम दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से यू you नो know, बहुत मुश्किल हो जाता है एक सिंगल पेरेंट के लिए टू टेक केयर ऑफ देर सन्स वो भी इतनी इस दुनिया में सोसाइटी में तो आई थिंक uh, वो वो स्ट्रगल मैंने देखा है और आई थिंक उस वो जो जर्नी हमने तय करी है फ्राम ज़ीरो और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो so, मुझे अच्छा लगता है हम जब भी पीछे मुड़ जब पीछे की जब बात करते हैं अपने पास्ट की बात करते हैं तो हम तीनों कभी-कभी रो देते हैं बिकॉज द काइंड ऑफ स्ट्रगल द काइंड ऑफ पेन यू कैन सेव सीन इन आर पास्ट तो वो कहीं ना कहीं हिट करता है और uh, आज ऊपर वाले की दया से हम जहाँ पे भी हैं अच्छा लगता है सो so, मैं अपनी जर्नी को ऐसे ही कहूँगा कि बहुत ही

फन राइट सोफार्ट मैंने खुद के लिए इसलिए बोला था मुझे बड़ा कूल लगा था मैंने मैं पहले भी बोलती थी जस्ट ऑन दैट वन एपिसोड इट बिकेम वेरी पॉपुलर बट लाइक हाउ वैन बी इंट्रोड्यूस दिल से जर्नलिस्ट बट टू यू दिल्ल ए फीमेल जर्नलिस्ट और फीमेल ऑन्टरप्रनोर

या आई आई लाइक दैट आई एन्जॉयड दैट आई गाउट समथिंग फॉर यू आल्सो आई गाउट हैंडल फॉर एवरी वन सिद्दात आपसे मैं बात करूं लास्ट शेरी यू हाँ लास्ट शेरी यू गिव अ वेरी हिट विद द लव एंड काफी लव भी आपको मिला था कैरेक्टर लव व्हाट यू वेंट टू सेल व्हाट वाज दैट एक्सप क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी टू वर्क विद सलमान सर यू नो पूरी फिल्म में एंड आई वाज लिटिल नर्वस और uh, मैं पता नहीं ऐसे मैं आपको बताया नहीं ऐसे हाइट को लेके कभी कभी लोग बहुत कमेंट करते थे कम कमेंट करते रहते हैं बट इट्स ओके तो मैं ऐसे ही नॉर्मली uh, गया और उनसे मैंने बोला कि सर लाइक यू नो थोड़ा सा बहुत ही छोटा तो नहीं लग रहा <laughs> कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा है uh, नहीं तो हाइट डेलेंट मैटर दैट इज मैं सोच रहा था कि यार टैलेंट मैटर करता है कि आप कितने हाइट लुक्स ये सब चीज़ें अगर आप अच्छा अच्छा काम कर रहे हो आप टैलेंटेड हो एंड यू नो कि आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो सही से कर रहे हो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट एंड लोग जो हेट फैलाते हैं ट्रोल करते हैं वर्क दे लव इट लेट देम डू इट बट देन देर आर मिलियंस ऑफ पीपलिशिएट दैम लव देम, गिव देम रिस्पेक्ट सो यस आई हैड अ फुल फन वाइल शूटिंग विथ हिम, ही ट्रीटेड ट्रीटेड अज लाइक हिज ओन फैमिली ओन ब्रदर्स तो बहुत अच्छा as we have discussed earlier that uh, influencer is the future and present of the industry now we see in a reality show also there are more influencers than a uh, tv or a film actor what do you want to say are you proud on it what was your reaction on it saying it so you're saying it's there on a uh, reality show now they show. call uh, more yeah. of influence? maybe because they bring the relatability and viewership that's what it is i think yeah maybe yeah लाइक वी नो ना इन बिग बॉस ओ टी टी थ्री देर इज मोर ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऑन बिग बॉस ओ टी टी टू इनफ्लुएंसर ओनली वेन एलवे सो ना आर यू वॉचिंग द गेम ऑफ बिग बॉस ओ टी टी थ्री एंड लाइकिंग एनिमस गेम मतलब ऑनेस्टली मतलब मैंने कभी बिग बॉस फॉलो नहीं कियाता हूँ बिग बॉस बट ये थोड़े बहुत जो रील्स में आते रहते हैं वही उसी से देखते रहते हैं एंड देन डेफिनेटली इट्स अ वायरल शो मतलब बात होते रहती है तो पता है बट मैं फॉलो नहीं करता आई कॉन्ट कॉमेंट ऑन दिस बट स्टिल रील्स पे किसी का गेम देखा हो या किसी की पर्सनालिटी अच्छी पता नहीं हो? मुझे समझ नहीं आता दादा दा इसीलिए दादा दा इंटरेस्ट नहीं दिखा यू वांट टू सी मेरी मम्मा के साथ मैं देखती हूं मैं मम्मा वाचेस इट एवरी नाइट मुझे कलेश बहुत अच्छा लगता है <laughs> तो मैं कलेश के लिए देखती हूं सो so, किसी का कलेश, <laughs> अच्छा, किस का कलेश, अच्छा, का कलेश लगा अच्छा लगा है सब कलेश कर रहे हैं इस सीजन में तो मतलब बट सना इज बीन अ फ्रेंड सना मकबूल एंड आई वर्कड विद हर रीजेस अगो शी इज ऑसम एंड आई Okay, I, said, I, I want to mention one thing uh, because I know Vishal. Unko, so I think वो जो एक बीच में भी कलेश हुआ वो कलेश नहीं होना चाहिए था थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था थप्पड़ बहुत ही गलत I support But Vishal, that's I support Vishal here because वो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था we cannot hit yeah. someone like this और भी national television पे वैसे मारो गलत message भी जाता है it's not a right thing to do. So, I just saw that episode again and again to figure Haan, out what happened. मैंने, 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 बट दे जब मैंने उस चीज की वजह से मैंने थोड़ा सा स्टोरी जानने की कोशिश करी कि हुआ क्या एग्जैक्टली मतलब बट मैंने गॉड टू नो है कि ये तो बहुत गलत हुआ ये नहीं होना चाहिए थप्पड़ इज द रॉन्ग एक्शन उसने कुछ गलत भी नहीं किया था बेचारे ने हाँ, हाँ, मतलब ये तो गलत बात <laughs> हो होगी सुंदर लगती है अच्छी अच्छी लगती है नॉट नथिंग नहीं सुंदर लगती है सुंदर लगती, लगती है सुंदर लगती, लगती है ना अच्छी लगती अच्छी मेकअप मुद्दा पर अच्छी लगती सुंदर लगती अच्छी बात है ना वो सुंदर और अच्छी लगती है तो बट इतना एक्शन हो गया वो बहुत ही गलत था मानना नहीं चाहिए

I've known her for 12 years now, Sana. We worked oh. on something ages ago. Okay. Mm -hmm. Lastly, what you want to say to your fans for this new Blue Tick? <laughs> please make <sighs> Blue Tick epic on. Pe. Hashtag bluetick verified. It's releasing on 19 July. Yes. Please, please. Don't miss out. Yeah. Thank Pallavi you. Pallavi and Viraj. <laughs> Thank you, guys. Thank, Thank you, so. Sada.